तकरे हिंट मारी कमरिया न मरिया दूरे से धरा तो नए क्रिएटर है मतलब जो अभी जिसका व्यूज नहीं आ रहा है वायरल नहीं जा रहा है उसके लिए बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भैया? कुछ सीरीज में हम देखे थे जो आप मतलब किस किए थे लड़की को, वो हकीकत में किए थे यार मतलब मुटका के प्रिया का एक डायलॉग है जो हम ही लिखे थे कि नौकरी पाने के लिए घसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, साइकिल के पीछे करियर पर किताब बांध के नौकरी मिल रहा है। अरे नाम है चंदन, काम करते हैं दलदल। तो आपका ब्याह कब होगा? आप तो मतलब मोटका का ब्याह करा दिए, लेकिन आपका ब्याह कब होगा? अभी पहले तो सरकारी नौकरी के पीछे पढ़ रहे हैं कि नहीं? अभी बिहार में मास्टरी का वैकेंसी है, बहुत सारा आ रहा है, तो इस समय नहीं इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है बचपन। यही कहेंगे कि जैसे हमको प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये भैया है बहुत दूर, इनको भी प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, न्यू न्यू लोग से मिलाते रहिए। इसका जो आइटम सॉन्ग है काहे मारा सिटी नदन बारा हो। बिहार में फर्स्ट टाइम हम लोग वेब सीरीज बनाने का कोशिश किए हैं, तो आज जा रहे हैं अमित परिमल के घर। बहुत ही फनी वीडियो भी होने वाला है गाइस, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, मजा बहुत आएगा इस वीडियो में और इस वीडियो को वायरल जरूर कीजिएगा गाइस। तो चलते हैं हम लोग रतवारा। गाइस हम लोग अभी आ गए हैं अमित भैया के पास में, अमित भैया के घर पर ही अभी बैठे हुए हैं। तो भैया स्वागत है हमारे चैनल पर आपको। थैंक यू, धन्यवाद। तो भैया हम लोग अभी बहुत दूर से आए हैं, पूछते मतलब हम लोग मोतिहारी से आए हैं और हम लोग अभी आपके घर पर आ गए हैं। तो अभी जैसे आपसे जानना चाहेंगे कि आप कॉमेडी कहाँ से शुरू किए थे, मतलब टिकटॉक से या यूट्यूब से कैसे शुरू किए थे? हम प्रॉपर यूट्यूब के लिए ही आए थे और शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर भी रहना जरूरी है, तो शॉर्ट पर भी काम करते थे, लेकिन शॉर्ट से वायरल हुए फिर यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए हैं। अब दोनों सब अब सभी जगह पे चलता रहता है। तो आपके वेब सीरीज गया है तो एकदम तहलका मचाया हुआ है, मतलब बिहार से लेके इंडिया में पूरा तहलका मचाया है, फर्स्ट बार पूरा बिहार में मतलब आया है। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिहार में फर्स्ट टाइम हम लोग वेब सीरीज बनाने का कोशिश किए हैं, बजट भी बहुत अच्छा खासा लगा है और चाहेंगे कि पब्लिक का प्यार मिलेगा तो भविष्य में बहुत सारा वेब सीरीज आएगा। अच्छा, वेब सीरीज का नाम क्या है भैया? इसका नाम है मटका के दिया, और चौथा एपिसोड आपको 30 तारीख को देखने को मिल जाएगा, 30 जनवरी को। हाँ, तीन एपिसोड अभी अपलोड हो चुका है, 8 एपिसोड है, सब मजेदार एपिसोड। टोटल कितने घंटा का है? ऐसे टोटल जोड़िएगा तो 3 घंटा पूरे, 3 घंटा के आसपास है। इसमें गाना वगैरह भी है ना? 4 घंटे। आपका तो गाना, आप तो सिंगर भी है, आप तो मतलब सिंगर है, उसके बाद में कॉमेडियन है, आपका कई सारे मतलब प्रॉपर एक्टिंग मेरा मेन है और सिंगिंग उंगिंग तो पार्ट टाइम है, हॉबी मतलब चाहत है अंदर से, वही निकल जाता है कभी कभी। क्या है इसमें आपको पहला जो गाना आया है उसमें थोड़ा 2 लाइन आप गुनगुना दीजिए ऑडियंस के लिए? पहला गाना है कि इसका जो आइटम सॉन्ग है काहे मारा तार सिटी नदन बारा हो। अरे यार लाइन भूल चुके बहुत दिन, इसका हम सुना देते हैं। तकरे हिंट मारी कमरिया न मरिया दूरे से धरा बो। अभी मतलब आप तो कई सारे चैनल चला रहे हैं ना, जैसे आपका बीसी म्यूजिक है, अमित परिमल कॉमेडी, उसके बाद बाइक क्रिएशन, सबसे टॉप टॉप चैनल अभी आपका चल रहा है। तो ऑडियंस जानना चाहता है कि आप मतलब पैसा के मतलब कितना कमाते हैं इसके बारे में? देखिए हमारे पास हम लोग अभी टोटल हो गए हैं 25 लोग, टीम में हो गया, अभी और नए नए लोग आए हैं तो सभी का घर अच्छे से चल जाता है। अच्छा, घर चल जाता है ना। अच्छा, आप कितने मतलब आपका पढ़ाई लिखा हुआ है कितने तक? हम ग्रेजुएशन फाइनल। ग्रेजुएशन फाइनल, तो सरकारी नौकरी के पीछे पढ़ रहे हैं कि नहीं? अभी बिहार में मास्टरी का वैकेंसी है, बहुत सारा आ रहा है, तो इसमें नहीं इंटरेस्ट ही नहीं है बचपन से, पढ़ाई एक नॉलेज के लिए किए थे और करना भी चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई से ही आप कुछ अपवाद में बहुत सारे लोग बिना पढ़ाई के भी बहुत चीज़ कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को जो बच्चे रहते हैं उन लोगों को यहाँ तक आने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई से बोलने चलने का ज्ञान आता है। जब आप पढ़ाई के साथ साथ में कॉमेडी करते थे कि पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई पहले, लेकिन फुल टाइम पढ़ाई को दिए, एक इंटर के बाद हम 12th के बाद हम कंटिन्यू कॉमेडी। अच्छा, कब से आप कॉमेडी कर रहे हैं? कॉमेडी हम फुल टाइम कर रहे हैं 2019
2019 से, तो आपको शुरू में मतलब व्यूज वगैरह आता था, ऐसे वीडियो वायरल जा रहा था कि नहीं आता? 2021 के लास्ट में आया। थोड़ा स्ट्रगल बताइए ना, कैसे कैसे मतलब? बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत बहुत चीज़ सीख सीख कर हम लोग, जो नहीं होता था टेक्निकल सीख सीख के बनाते थे, डिमोटिवेट भी होते थे, लेकिन फिर भी बनाते गए, दिन रात करते गए, एक टाइम आया कि ऑटोमेटिक पब्लिक को पसंद आ गया। अच्छा, जब 19 में स्टार्ट किया था, आप अकेले स्टार्ट किए थे मतलब टीम के साथ में? अकेले स्टार्ट किए, उसके बाद दोस्त लोग थे जो साथ में पढ़ते थे, उन लोगों को कनेक्शन करते गए। तो जो नए क्रिएटर है मतलब जो अभी जिसका व्यूज नहीं आ रहा है, वायरल नहीं जा रहा है, उसके लिए बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भैया? मेहनत कीजिए, देखिए कोई भी क्षेत्र में जाइएगा मेहनत जरूरी है, मेहनत कस के चाहिए। यूट्यूब ये है कि आप ये नहीं सोचिएगा कि यूट्यूब है तो वीडियो डाल देंगे वायरल हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मतलब टीम के साथ में स्टार्ट कर सकता, अकेला भी तो स्टार्ट हो सकता है? अकेला भी, हम भी स्टार्ट किए थे बाइक रेसिंग अकेला, अगर देखिएगा तो मेरा फर्स्ट वीडियो खुद का डबल रोल। तो भैया आप तो मतलब पूरा स्टार बन गए, आपका कई कई सारे मतलब चैनल भी चल रहा है, आपका वेब सीरीज भी आ गया, सॉन्ग भी आ गया, तो आपका ब्याह कब होगा? आप तो मतलब मोटका का ब्याह करा दिए, लेकिन आपका ब्याह कब होगा? अभी सब चीज़ का उम्र नहीं है, अभी बहुत चीज़ करना है, अभी कुछ नहीं है, अभी तो एक स्टेप पार किए हैं, बहुत सारा स्टेप अभी बाकी है लाइफ का, जो अभी बाकी है उसको पूरा करना है, अभी उसी चीज़ पर फोकस। अच्छा, तो अभी शादी नहीं करना है? अगर कोई लड़की अभी मतलब गर्लफ्रेंड है कि ना आपके पास? नहीं, वो सब उतना टाइम में नहीं रहता है। गर्लफ्रेंड नहीं है? लेकिन आप तो हमेशा रोल गर्लफ्रेंड वाला ही करते हैं। अलग बात है, उसका किरदार है वहाँ पे, अलग बात। अच्छा भैया, आपके फैमिली में कितने आदमी हैं? जैसे 5 लोग हैं, भाई बहन, फैमिली में हम 5 लोग ही हैं, मतलब भाई है, बहन है, हम है। आप छोटे हैं या बड़े हैं? सबसे छोटे हैं। भैया आप तो मतलब यूट्यूब से बहुत दिन से, मतलब 2019 से ही स्टार्ट है, लेकिन आपका फेमस है 21 से है, तो 21 से ही है आप मतलब यूट्यूब और उससे कुछ अर्निंग वगैरह भी होता है और मतलब कुछ खर्चा भी उसमें होता है, तो अभी तक आप क्या क्या हासिल किए हैं यूट्यूब से? देखिए हासिल बहुत कुछ नहीं है, जो भी हुआ है प्यार हुआ है, और जो भी छोटा मोटा रकम है तो वो हम पब्लिक के हंसाने गुलजाने में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी मोटका के ब्याह था, उसमें जितना भी हम सेविंग रखे हुए थे सब छोड़ दिए, अदर आर्टिस्ट आए हुए थे, प्रोडक्शन था, तो इस सब में पैसा मतलब जैसे पेड आर्टिस्ट थे आया हुआ था, लड़की लोग भी आई, तो बहुत सारा मैनेजमेंट में इस सब में उड़ा पैसा, सबसे ज़्यादा खर्चा हम इसमें किया, सबसे ज़्यादा आज तक कम सब्सक्राइबर लेकर अपने सब्सक्राइबर से ज़्यादा रुपये उसमें खर्चा कर ना, मेरा 8 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा खर्चा है। अच्छा भैया, जो वेब सीरीज आया है तो मोटका का भी आया, तो उन लोगों से हम मिलना चाहेंगे चंदन भैया सर? तो जरूर मिल लीजिएगा, उसका बर्थडे है तो थोड़ा सा तैयारी में लगा हुआ है, पूजा हो जाएगी। आज चंदन भैया का बर्थडे है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा चंदन भैया के लिए हैप्पी बर्थडे, आप लोग कमेंट से पूरा भर दीजिए, और उसके बाद में हम लोग आते हैं उनसे तो मिलाएंगे। तो अभी कुछ फनी है मतलब कॉमेडी के लिए आप पूरा जाने माने जाते हैं, तो 2-4 कॉमेडी ऑडियंस के लिए बोल दीजिए ताकि ऑडियंस खुश हो जाए जिसको सुनकर। अभी मोटका के ब्याह का एक डायलॉग है जो हम ही लिखे थे कि नौकरी पाने के लिए घसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, साइकिल के पीछे करियर पर किताब बांध के नौकरी मिलता है, अरे हैं। और एक जो मतलब वेब सीरीज में हम देखे थे जो आप मतलब किस किए थे लड़की को, वो हकीकत में किए थे यार, मतलब ऐसे किए थे ना, वो सब चीज एक काम था, और वो सब चीज एक तरह रियल लाइफ से हट के रहता है, रियल लाइफ में समझ ही सकते हो। चलिए भैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हम लोग वहाँ से आए, आप इतना प्यार दुलार दिए, हम लोग मतलब घर पर बैठ के पूरा इंटरव्यू दे दिए, तो ये वीडियो को अभी चंदन भी आएंगे तो उनसे मिलाएंगे, अभी तक कहीं करते हैं तो फिर ठीक है। गाइज अभी चंदन भी आ चुके हैं, आपको चंदन भैया से मिलाते हैं, जो अभी वेब सीरीज में एकदम तड़का मचाए हुए हैं, बिहार में फर्स्ट वेब सीरीज आया है, यही है इनका मोटका का ब्याह, मतलब इनके ही नाम पर है मोटका का ब्याह, दे तो देख ही रहे हैं आप, और इनका ही नाम है चंदन भैया, आप लोग तो पूरा फेमस है जान ही रहे हैं, तो इनसे एकदम फनी कॉमेडी बुलवाते हैं, आप लोग एकदम हंसिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया स्वागत है हमारे चैनल पर, थैंक यू। तो भैया ऑडियंस आपको जानना चाहता है, जो मोटका का भैया मतलब आपका जो वेब सीरीज आया है एकदम तहलका मचाया हुआ है, क्या कहेंगे ऑडियंस को?
यही कहेंगे कि इस वेब सीरीज को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो जो लोग नहीं जानते हैं जाइए यूट्यूब पे सर्च मारिए बाइक क्रिएशन और जाइए देखिए, प्यार दीजिए सबको। हाँ, बाइक क्रिएशन सर्च मारिए। मोटा का अभी एपिसोड 3 एपिसोड अपलोड हो गया है, अभी 4th एपिसोड मतलब 30 तारीख को आने वाला है। ऐसे 8 एपिसोड पूरा बना हुआ है ना, हम इसलिए पूरा बता चुके हैं। तो आप 2-3 कॉमेडी बोलिए थोड़ा ऑडियंस को हंसाने के लिए। नाम है चंदन, काम करते हैं दलदल। लाइक कीजिए, एक कॉमेडी हो गया। अब दूसरा है और बोल दीजिए, मार लेंगे। नाम है चंदन कुमार। और बस भैया, आप अमित परमल भैया का आप क्या लगते हैं? तो आप कब से काम कर रहे हैं, मतलब कब से जुड़े हैं इनके कॉमेडी में? ये तो मतलब 2019 से ही है, लेकिन आप कब से जुड़े? शुरू से ही, शुरू से लेके अभी तक है, लेकिन आप तो गजब छाया गए हैं। आपको ही सब ज़्यादा देखकर, आपका फनी वीडियो देखकर गजब सब हंसता है, मतलब कोई भी सैड रहता है वो एकदम हंस लेता है आपका कॉमेडी देखकर। और मतलब आपको अभी तक मतलब YouTube पर आए, तो आपका कोई चैनल चाहे आप मतलब अभी तक क्या क्या कर लिए YouTube से? नहीं, अब मेरा कोई चैनल नहीं है YouTube पे, इंस्टाग्राम पे दो है लेकिन यूट्यूब पर अभी नहीं किए हैं। और इंस्टाग्राम का क्या नाम है चैनल का? चंदन राज 4 है, एक चंदन राज 11 है। अच्छा, चंदन राज 4 और चंदन राज 11, इसको आप फॉलो कीजिएगा। और अभी आप क्या क्या कर लिए मतलब यूट्यूब से? अभी कमाल का कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अब आगे देखा जाएगा क्या कर सकते। अच्छा, अभी उम्र नहीं है कुछ करने का। अच्छा अच्छा, मतलब मोटका का ब्याह जो वेब सीरीज आया है, सच में आपका ब्याह हो गया है? हाँ, वो सब देखना है तो जाइए सीरीज देखिए। अच्छा, हकीकत में आप मतलब अभी कितना पढ़े लिखे हैं? रियल 8 क्लास तक किए हैं, उसके बाद छोड़ दिए। 8 क्लास तक अभी आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं? हाँ, बहुत दिन पहले छोड़ दिए। अच्छा, अभी आप सिर्फ पूरा कॉमेडी पर डिपेंड है ना? हाँ, कॉमेडी ही फुल टाइम करते हैं। आगे का क्या मतलब आपका भविष्य क्या देख रहे हैं मतलब कॉमेडी में? बस आप तो बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं, आप आगे क्या देखना चाह रहे हैं? यही है कि कॉमेडी करना है और पब्लिक को हंसाना है, करना है। आप तो कॉमेडी में भी आ गए, सॉन्ग में भी आप आते ही हैं। हाँ, मतलब सीन देने के लिए। उसके बाद तो 12 पर्दा पर कब तक देखेंगे आप और अमित भैया? 12 पर्दा इंडस्ट्रीज मतलब फिल्म विल्म कब तक आएगा? हाँ, आएगा ऐसा टाइम तो वहाँ भी आएंगे कभी। मतलब 12 पर्दा पर भी आप घर आने वाले हैं ना? हाँ, क्या कि इतने ज़्यादा वायरल जा रहा है, बिहार में फर्स्ट टाइम ऐसा वेब सीरीज आया, देहाती वेब सीरीज है, मस्त है गाइस, आप लोग जरूर देखिएगा। और भैया से कॉमेडी वीडियो भी बुलवा लिए और बहुत अच्छा प्यार मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा मतलब चैनल के बारे में। बस यही कहेंगे कि जैसे हमको प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये भैया आए हैं बहुत दूर से, इनको भी प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, मिलाते रहिए।